बात कर लेते हैं कॉटन की। सुनने में आ रहा है कि कॉटन की जो कीमतें हैं रिकॉर्ड स्तर पर हैं। जान लेते हैं कि उत्पादन का अनुमान क्या है और व्यापारी और जानकार क्या बता रहे हैं आगे जाके कॉटन का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है। तो पिछले हफ्ते रिकॉर्ड हाई से मुनाफा वसूली के बाद कॉटन में एक बार फिर से शानदार खरीदारी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर कॉटन एक बार फिर 31,000 के करीब पहुंच गया है। पूरी दुनिया में कॉटन के उत्पादन में गिरावट देखने को मिली है। अमेरिका के उत्पादन की बात करें तो अमेरिका में कॉटन का उत्पादन इस बार 3% कम रहने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं भारत के अंदर भी कॉटन का उत्पादन कम रह सकता है। वर्ल्ड कॉटन कंजप्शन ग्रोथ में 2.9% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोरोना के बाद डिमांड बढ़ने से कॉटन की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है और स्पिनिंग मिलों से कॉटन की डिमांड मजबूत आ रही है। वहीं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपनी 2 अक्टूबर 2020 से सितंबर 2020 के कॉटन उत्पादन के अनुमान में कटौती की है और उसे 354.5 लाख गांठ से घटाकर 353 लाख गांठ कर दिया है। भारतीय कॉटन की निर्यात मांग भी काफी अच्छी है जिससे इसके स्टॉक में भी कमी देखी गई है। आपको बता दें कि ज्यादा निर्यात के चलते अब भारतीय कॉटन का एंडिंग स्टॉक घटकर सिर्फ 75 लाख गांठ का रह गया है। तो यानी कि जिस हिसाब से कॉटन की जो डिमांड निकल के सामने आ रही है और कम प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है पूरे वैश्विक स्तर पर और भारतीय कॉटन की खासकर निर्यात मांग अच्छी खासी देखने को मिल रही है, तो उसी को देखते हुए जानकार लगातार यही बता रहे हैं कॉटन की जो कीमतें हैं वो तेजी की ओर रह सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि कॉटन का जो एंडिंग स्टॉक है वो भी घटकर अब महज 75 लाख गांठ का ही रह गया है। और हमने हाजिर में भी कॉटन की कीमतें अच्छी खासी कीमतों पर बिकवाली आती देखी बिकती देखी हैं और कॉटन में जो तेजी है अभी जानकारों के अनुसार ये हाल फिलहाल में जारी रह सकती है।